दशम कक्षाया अंतर्गत जो शेमुषी द्वितीय भागा है उसके अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाठ पाठ नवमा सूक्तियां हैं, सूक्तियां तिरुवल्ल वल्लुवर ये पद्यम। और आज जो सूक्तियां हैं, सूक्तियां क्या होती हैं, ये जो सूक्तियां हैं ये परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में आती हैं, तो आज हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा पाठ का परिचय। अयम पाठ मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुरल नाम नामक ग्रंथात गृहीतः अस्ति। अयम ग्रंथः तमिल भाषाया, कौन सी भाषा, तमिल भाषा, वेदः इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते, प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थ काम प्रति पादकोयम ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, अतः तिरु तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति। श्रिया युक्ता वाणी, अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवन उपयोगी सत्यम सरसबोध गम्य पद्ये प्रतिपादितम अस्ति। ये जो पाठ है मूल रूप से किस भाषा के, तमिल भाषा के, किस भाषा के, तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से, तिरुकुरल नामक ग्रंथ। यह ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में, तमिल भाषा का वेद कहा जाता है, तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। इसके जो प्रणेता है वो कौन है, तिरुवल्लुवर है। प्रथम शताब्दी इनका जो समय स्वीकार किया गया है, धर्म अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ कितने भागों में, तीन भागों में विभक्त है। तिरु शब्द श्री शोभा वाचक है, इसलिए तिरुकुरल शब्द जो का अभिप्राय होता है शोभा से युक्त वाणी, शोभा से युक्त वाणी। इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवन उपयोगी सत्यम सरस बोध गम्य पद्य ही प्रतिपादितम अस्ति। सरस और बोध गम्य क्या, पद्य ही यानी पद्यों के द्वारा प्रतिपादित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर पाठ का अनुवाद भावार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सूक्ति है, पिता यच्छति पुत्राय वाल्ये विद्याधनं महत्। पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ते तत्कृतज्ञता। अन्वय समझिए, पिता पुत्राय वाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, अस्य पिता किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। शब्दार्थ समझिए, महत् यानी उत्तम, उत्तमम, यच्छति प्रदान करता है, ददाति तेपे उसने तपस्या की, तपस्याम अकरोत इति ऐसा एवं कृतज्ञता, कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को मानना, कृतज्ञता ज्ञापनम। पिता यच्छति पुत्रा वाल्य विद्याधनम, जब बहुत अच्छे से इसके भावार्थ को समझें, पिता पुत्र को बचपन में वाल्य यानी बालकाल में विद्या धनम महत उत्तम विद्या रूपी धन प्रदान करता है। पिता यच्छति पुत्राय वाल्य बचपन में, पिता से किम तपस्या थी, इसके पिता ने कौन सी तपस्या की है, ऐसा कहना उस पिता के प्रति कृतज्ञता ही है। अर्थात समझिए आप लोग, माता पिता बचपन में अपने बच्चों को शिक्षा रूपी धन प्रदान करते हैं, उस उत्तम
शिक्षा के फलस्वरूप जब बच्चा योग्य हो जाता है तो लोगों द्वारा ऐसा कहना कि इसके पिता ने ना जाने कौन सी तपस्या की है, यह एक प्रकार से उस पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही है। देखिए, माँ बाप बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, बचपन में ही उनको अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, और जब बच्चा अच्छा काबिल हो जाता है उस पद के लिए, उस पद के योग अच्छे उस पर रहता है, तो जो लोग होते हैं, जो जन होते हैं, वो कहते हैं ना कई बार कि अरे इनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, इनके माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी होगी। तो ऐसे जो लोग जब वो शब्द कहते हैं तो ये उस पिता के लिए होता है जिसने बचपन में अपने पुत्र को उत्तम विद्या रूपी क्या प्रदान करता, धन प्रदान करता, उसके उस पिता के लिए वो कृतज्ञता होती है उस पिता के प्रति। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा, अवक्ता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्व मिति तथ्यता। अनुवाद समझिए, यथा चित्ते यदि तथा वाची अवक्रता भवेत तदेव महात्मान तथ्यता समत्वम इति आहु। शब्दार्थ, चित्ते चित माने होता है मन, मन मनसी, वाची यानी वाणी, वाणी में, वाण्याम अवक्रता सरलता, ना वक्रता ऋतुजता, ऋतुजता, तथ्यता माने वास्तव में यथार्थ रूपे, समत्वम समानता या समरूपता। चलिए भावा समझी, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाणी भवेद यदि, जैसी मन में यदि वैसी ही वाणी में सरलता हो, जैसी मन में यदि वैसी ही वाणी में सरलता हो तो उसे ही महापुरुष वास्तव में समानता कहते हैं। अर्थात महापुरुषों ने मन और वाणी में एक रूपता को वास्तविक समानता कहा है। अपन कहते हैं ना, जो मन में है वही हमारे हृदय में है, वही हमारी बोली में है, तो कैसी समरूपता, जैसे मन में है यदि वैसी आपकी वाणी में भी सरल, जैसे मन हमारा सरल है ऐसे हमारी वाणी भी यदि सरल है तो महापुरुष वास्तव में उसको क्या कहते हैं, समानता कहते हैं, वास्तव में समानता कहते हैं, अर्थात मन और वाणी में एक रूपता को वास्तविक समानता कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तत्त्वा धर्म प्रदान वाचम पुरुषाम यो अभिद्य रेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमुदधि। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदी रेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमुदधि। अन्वय समझिए, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्ता पुरुषाम वाचम अभिदीर रयेत सह विमूढ धी एव पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम भुंकते। बहुत अच्छा है, भी समझिए पहले शब्दा, वाचम माने वाणी, अर्थात वाणी, पुरुषाम कठोर कठोराम, अभु अभ्युदीरेत यानी बोलता है या वदेत, विमूढ़ धी यानी मूर्ख अज्ञानी बुद्धिहीन मूर्खा बुद्धिहीना, भूंकते यानी खाता है या खादती। अब भावार्थ समझें, जो धर्म युक्त धर्म प्रदाम धर्म युक्त सत्यम एवं प्रियम वाचम यानी वाणी को छोड़कर पुरुषाम यो अभ्युदीयरेत कठोर वचन बोलता है, जो धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है वह उसी मूर्ख के विमूढ़ यानी जो मूर्ख है उसके समान है जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। समझ में आया, एक बार पुनः समझें,
जो धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है। धर्म युक्त वाणी यानी सत्य अप्रिय, तो यदि वह कठोर वचन बोलता है तो वह उसी मूर्ख के समान है। किस मूर्ख के समान है? जो पके हुए, जो पका हुआ फल नहीं, जो कच्चे फल को खाता है। समझ में आ गया? चलिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष मन्नतः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर नामनी मते। अन्वय समझिए, अन्वय अस्मिन् लोके विद्वांस एक चक्षुष मन्नतः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये ते तु चक्षु नामनी मते। शब्दात् चक्षुष मन्नतः यानी नेत्रों से युक्त, नेत्र युक्ता, प्रकीर्तिता कहे गए हैं, उक्ता, बदरे मुख पर, आनने मुखे, चक्षुर नामनी यानी नाम मात्र की आंखें, नाम मात्रेण नेत्रे। भावार्थ समझिए बहुत अच्छे से। इस संसार में विद्वांस एव लोके अस्मिन्, इस संसार में, लोके यानी संसार में, विद्वांस यानी विद्वान ही उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होने के कारण। अब यहां पर देखिए चक्षु आया शब्द, यानी नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। अन्य दूसरों के मुख पर जो है वे तो नाम मात्र की आंखें हैं। एक बार पुनः समझे, इस संसार में जो विद्वान ही उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होने के कारण, यानी विद्वान जो है वही उचित और अनुचित का भेद करने में सक्षम होने के कारण नेत्रों से क्या कहे गए? चक्षु कहे गए हैं। चक्षु यहां पर आंखें। अन्य दूसरे के मुख पर तो जो है वे तो नाम मात्र की आंखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। यत्पोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सह विवेक इति रितः। अन्वयः येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सह विवेक इति रितः। शब्दार्थ समझिए। प्रोक्तम शब्द आया है, प्रोक्तम अर्थात कहा जाता है, कहने को कहते कथितम। तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, वस्तुतार्थ निर्णय, शक्य सके यानी सक्षम, ईरिता कहा गया है अर्थात कथिता। भावार्थ समझें। जिसकी जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सके वह विवेक कहा गया। विवेक, पुनः समझें, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिस द्वारा, जिसके भी द्वारा किया जाता है वह या किया जा सके वह क्या कहते हैं? उसको विवेक कहते हैं। चलिए, बाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायां मप्य कातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। अन्वय, यह मंत्री बाक्पटु धैर्यवान सभायां अपि अकारतः, सभायां अपकारतरः अका तरह भवति सकेन अपि प्रकारेण परहिना परिभूयते। शब्दा समझे, बाक्पटु है ना बोलने में चतुर, वार्तालापे दक्ष, अका तरह यानी निर्भीक, वीरह साहसी, परहि यानी दूसरों के द्वारा, अन्य परिभूयते यानी अपमानित किया जाता है, तिरस्क्रियते अवमान्यते। भावार्थ, जो मंत्री बोलने में कैसा है? चतुर,
धैर्यशाली और सभा में भी निर्भीक होता है, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जाता। जो मंत्री कैसा होता, बोलने में चतुर और धैर्यशाली, सभा में धैर्यवान दिया हुआ, धैर्यवान, सभा में निर्भीक, किसी भी प्रकार से, मतलब वो यदि होता है तो वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जाता। या इच्छत्यात्म मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यार दहितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। अनुवाद समझिए, यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि च सुखानि ईक्षति सा परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। शब्दार्थ समझें, आत्मनः माने होता है अपना या स्वस्य, श्रेय कल्याण कल्याणम, प्रभुतानि अत्यधिक अत्यधिकानि, परेभ्य दूसरों के लिए, अन्येभ्य अहितम अकल्याणकारी अमंगलम। भावार्थ समझें, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य कभी ना करे। फिर से समझें, जो अपना कल्याण और अधिक सुख चाहता है वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य कभी ना करें। इस प्रकार मैंने आपको यहां पर सूक्तियों को पढ़ाया, अन्वय शब्दार्थ भावार्थ समझाया। आप इसको परीक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, कॉपी में लिखेंगे।